नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए LIC का नया अपडेट लेकर आया हूं, जो काफ़ी समय से चर्चा में था। इस वीडियो में हम LIC के प्लान्स में जो 1 फरवरी 2020 से बदलाव आए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। LIC ने अपने सभी चल रहे प्लान्स को 31 जनवरी 2020 से बंद करके उसमें से 18 प्लान्स को रिलॉन्च किया है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्लान्स को रिलॉन्च किया गया है और इसमें जो 6 मेजर चेंजेस किए गए हैं वो क्या है। तो वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें और पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, LIC ने अपने 18 प्लान्स को 6 नए बदलावों के साथ रिलॉन्च कर दिया है। सबसे पहले इन 18 प्लान्स को देख लेते हैं। ये प्लान्स है न्यू एंडोमेंट प्लान 914, न्यू जीवन आनंद 915, न्यू बीमा बचत 916, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान 917, न्यू मनीबैक प्लान 20 ईयर्स 920, न्यू मनीबैक प्लान 25 ईयर्स 921, न्यू चिल्ड्रंस मनीबैक प्लान 932, जीवन लक्ष्य 933, जीवन तरुण 934, न्यू एंडोमेंट प्लस 935, जीवन लाभ 936, जीवन मंगल 940, आधार स्तंभ 943, आधारशिला 944, जीवन उमंग 945, जीवन शिरोमणि 947, बीमाश्री 948 और माइक्रो बचत टेबल नंबर 951। ये सभी प्लान्स पुराने प्लान्स ही है, सिर्फ इनमें कुछ बदलाव करके इन प्लान्स को रिलॉन्च किया गया है। इनके टेबल नंबर में 800 की सीरीज़ को बदलकर नए टेबल नंबर में 900 की सीरीज कर दी गई है। तो अब इन प्लान्स में जो 6 परिवर्तन किए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन है पॉलिसी रिवाइवल पीरियड में बदलाव। पहले LIC ट्रेडिशनल प्लान्स में लैप्स हुई पॉलिसी रिवाइव करने का समय 2 साल था, जो अब नई पॉलिसी में 5 साल कर दिया गया है, जो पॉलिसी होल्डर के लिए काफ़ी अच्छा परिवर्तन है। और LIC के यूलिप प्लान में लैप्स हुई पॉलिसी को रिवाइवल करने का समय भी 2 साल का था, जिसे अब नए प्लान्स में 3 साल कर दिया गया है। तो अब नए प्लान्स में अगर आपकी पॉलिसी प्रीमियम पे ना करने के कारण बंद हो जाती है तो आप ट्रेडिशनल प्लान में 5 साल और यूलिप प्लान में 3 साल तक में उस पॉलिसी को वापस से शुरू करवा सकते हैं। दूसरा परिवर्तन है पॉलिसी सरेंडर पीरियड में बदलाव। LIC की पुरानी पॉलिसी में सरेंडर पीरियड 3 साल का था, यानी अगर आप अपनी पुरानी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते थे तो आपको कम से कम 3 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ता था, उसी के बाद आपको सरेंडर का ऑप्शन दिया जाता था। लेकिन अब नई पॉलिसी में सरेंडर पीरियड को 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। तीसरा बदलाव है पेंशन प्लान्स में गारंटेड और नॉन गारंटेड रिटर्न्स में बदलाव। LIC के पुराने पेंशन प्लान में पहले 5 साल गारंटेड रिटर्न और बाकी के पॉलिसी पीरियड में नॉन गारंटेड रिटर्न दिया जाता था और बाद में मैच्योरिटी पर पेंशन दिया जाता था, लेकिन अब आपको पॉलिसी लेते वक्त गारंटेड रिटर्न या नॉन गारंटेड रिटर्न ये दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे और आप अपनी इच्छा के अनुसार दोनों में से सही ऑप्शन का चुनाव कर सकेंगे। चौथा परिवर्तन है यूलिप प्लान के रिस्क कवर में बदलाव। LIC के यूलिप प्लान्स में 45 साल से कम एज के पॉलिसी होल्डर्स को ईयरली प्रीमियम के 10 गुना रिस्क कवर और 45 साल से ज़्यादा की एज के पॉलिसी होल्डर को ईयरली प्रीमियम का 7 गुना रिस्क कवर दिया जाता था। अब नए प्लान्स में रिस्क कवर को सभी एज के पॉलिसी होल्डर के लिए ईयरली प्रीमियम का 7 गुना कर दिया गया है। पांचवा परिवर्तन है पार्शियल विड्रो लिमिट इन यूलिप प्लान। LIC के यूलिप प्लान्स में पार्शियल विड्रो का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन अब आप पॉलिसी के 5 साल के बाद मैक्सिमम 3 बार पार्शियल विड्रो कर सकेंगे, जो कि फंड वैल्यू का 25% तक हो सकेगा। छठा परिवर्तन है पेंशन प्लान्स में इनकैशमेंट वैल्यू में बदलाव। LIC के पुराने प्लान्स में आप पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर 33% वैल्यू को ही इनकैशमेंट करवा पाते थे और बाकी की रकम को पेंशन में बदल दिया जाता था। अब नए प्लान्स में इनकैशमेंट वैल्यू को 33% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है, जिससे आप मैच्योरिटी पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैश विड्रॉ कर सकेंगे।
तो दोस्तों ये थी LIC के नए प्लान्स तथा उनमें किए गए बदलावों की जानकारी। ये बदलाव LIC के सभी प्लान्स में लागू होंगे। इसके अलावा भी कुछ प्लान्स में बदलाव किए गए हैं, जैसे कि कुछ प्लान्स में एडिशनल राइडर्स को अलाउ किया गया है, कुछ प्लान्स में सेटलमेंट ऑप्शंस को भी अलाउ किया गया है। तो इसके लिए हम प्लान्स के सेपरेट वीडियोस आपके लिए लाएंगे कि क्या क्या बदलाव प्लान में आए हैं और इससे प्रीमियम या मैच्योरिटी पर अगर कोई अंतर आ रहा है तो उसकी पूरी जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे बीस्मार्ट चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो लाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखते रहे बीस्मार्ट। जय हिंद।